honest. There you are. Namaste. Hi, hi everyone. Hello, hi. Welcome, Deepika. Thank you. सवाल बहुत सारे थे. I'm like, you very gorgeous. बस मस्तानी is very gorgeous. यार एक बार जोरदार तालियां हो जाए for बाजीराव मस्तानी. Thank you. नितिन इतना बोलता है दीपिका को देख के बोलती बंद हो गई. देखो बिल्कुल पता है. आपके साथ भी होता है कभी कभी मस्तानी को देख के ऐसा? तो रोज होता है. दीपिका आपके लिए सवाल. 12 साल काफी ज्यादा इमोशनल जर्नी रही भंसाली साहब के लिए. रणवीर ने हमें बोला था गोलियों की रासलीला रामलीला वॉज मोर ऑफ अ प्रेप फॉर दिस, है ना, एकदम ऐसा ये प्रेपरेशन थी. तो अभी व्हाट डू यू हैव टू से? इट डिडंट फील एट दैट टाइम. At that time when we were doing Ram Leela, it felt like I was doing the biggest film of my career at that point. And I was like, you know, it's so difficult and it's going to take me so long to work with him again if he ever offered me a film at that point. Right. And now after experiencing Bajirao Mastani, I feel like Ram Leela was so easy. It was such a breeze. And yes, I agree with Ranveer ki kahin na kahin wo lagta hai ki it was like a rehearsal, it was like a prep. And I'm glad we went through that experience because it's made me understand this man so well that I don't think this performance would have been possible if I hadn't understood his potential as a director and what he expects from all of us as actors. Achha, you understood him somewhat? I have not still, and I don't think I ever will. I think so. The enigmatic Sanjay Leela Bhansali, round of applause, ladies and gentlemen. Master craftsman auteur, and I'm damn proud to be Bajirao, man. Sir, we'll play the trailer. Exclusively for all you beautiful people out here. आप लोग बहुत स्पेशल हो. ये फिल्म बहुत स्पेशल है इसलिए सबसे पहली बार आप सब के लिए. And ladies and gentlemen, I just want to share that I haven't seen the trailer either, so I have butterflies in my stomach and I'm as excited as you guys are because I'm also going to be experiencing it for the first time. Me too, so, first time. चेतन जी है हमारी शोभा संत, जो हमारी सीईओ है, जो मेरे लिए रॉक पिलर कहा गई. माफ करना शोभा, लाइन में नहीं है तो मैं कहीं रह जाता है. और वो चेतन है जो हमने हमारी डिजाइन किए वगैरह वगैरह वगैरह. हमारे लिए सिद्धार्थ गरीब मौजूद ने लिरिक्स लिखे, तुराज मैंने, जिसने म्यूजिक दिया है सब. सॉरी मैम, सॉरी मैम, यू सेइंग समथिंग? आई सर आपका शुक्रिया अदा हम कर देते हैं. थैंक यू फॉर सच वंडरफुल म्यूजिक, म्यूजिक बाय संजय लीला भंसाली. आई कैन नॉट नॉट नेम किशोर लुल्ला, सुनील लुल्ला, ज्योति देश पांडव, विरोज, विदाउट होम जो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं आपको, उसके बगैर तो होता नहीं हूँ. उनकी मार्केटिंग टीम, अजीत, प्रेरणा, नंदू, एवरीबॉडी, अमिता, ऑल फैबुलस एब्सोल्युटली. एंड आई वांट टू थैंक, नॉट थैंक, आई डोंट वांट टू थैंक माय गॉड फॉर हैविंग प्रोटेक्टेड मी एंड इंस्पायर्ड मी थ्रू मेकिंग दिस फिल्म. आई डोंट वांट टू थैंक माय फादर हुज ड्रीम आई एम फुलफिलिंग. आई डोंट वांट टू थैंक माय मदर हुज प्रेड फॉर मी, हु आई लव इमेंसली, एंड माय सिस्टर हुज बिकॉज ऑफ हुम आई एम व्हाट आई एम. I don't want to thank my five friends, which is Rohini, Shabina, Subhash, Ismail, and Shobha. I don't want to thank because for you all, thank you is not enough. So God bless you and love you all. Thank you. Wow, sir. और यही सच्चाई है जो कि उन्होंने कहा. मेरे बच्चे हैं, चिल्ला रहे हैं भाई. Female fan following, मतलब महिलाएं दीवानी हैं. बाजीराव के साथ साथ संजय लीला भंसाली साहब की, उनके लिए तालियां हो जाएं. हमारे रेडियो स्टेशन में कई सारे लेटर्स आए. एक तो मैं लाया भी था, डियर संजू, मेरे प्यारे संजू, मैं रेंदे मत पढ़ना, कलेश हो जाएंगे. मेरा एक फैक्टर भी तो चेक करो, एक झलक देख के मेरी आंखों के आगे सब कुछ ब्लैक हो जाता है. कब से बोलना चाहती थी खामोश रही कि हम दिल दे चुके सनम, अब गोलियों की रासलीला छोड़ो और मुझे अपनी मस्तानी बनाओ. सर नंदिनी है कोई, उसने लिख के भेजा स्वेर, मैं पीछे हो जाता हूं. नाम भी चुन के सर नंदिनी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए बाजीराव मस्तानी के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. और अब एक टास्क और, काम आप अब तक नहीं करवा पाए संजय सर को, आज करवा दो, ये मौका है. सर मैं जा देखो भाई, शूटिंग देखो. नहीं भाई,
बाकी है, आप लोगों की सीन काट दूंगा मैं अगर मेरे पास कुछ करा है। अरे आप तो यहाँ तक पहुंच गए सर, मैं तो बोलो मैं तो अगली पिक्चर में भी होना है सर, मैं आपको ऐसे कुछ नहीं करा मैं सर, डांस तो हम लोग ने कर लिया रैप पार्टी में, तो वो भी हो गया सोचो। तो वो हो गया और रिलीज के दिन आपको पता है सेट पे संजय सर रोज गाते हैं जोर जोर से, उनके सेट पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और वो यहाँ चल के जाते तो गा के जाते हैं, वहां से यहाँ चल के आते तो गा के आते हैं, और कुछ भी मागे उबा मंगेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सर आई बिलीव यू हैव सम कमिटमेंट जहां पे एडिटिंग के लिए निकलना होगा, सो एक वर्ड ऑफ थैंक्स हो जाए। वन वन लास्ट थिंग आई वांट टू से बिफोर आई लीव इज दैट आई वांट टू थैंक रणवीर, दीपिका, प्रियंका, Tanvi ma'am, please come up and give me a hug because I think you've given a wonderful performance in this film. It's a wonderful, wonderful role that you played. Hey.